हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लैश स्क्वाड के कुछ यूजफुल्स करेक्टर जो आपको ब्रॉन्ज से लेके मास्टर तक का सफ़र ये अकेले ही आपको ले जा सकते हैं, मगर उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि किस किस करेक्टर का आपको यूज़ क्लैश स्क्वाड रैंक में करना है। मुझे पता है कि आप एक ही करेक्टर को लेके बीआर रैंक भी खेल लेते हैं और उसी करेक्टर को लेके सीएस भी खेल लेते हैं, जिससे आपका सीएस माइनस हो जाता है। तो आप बोलते हो कैसा करेक्टर है, कुछ काम नहीं करता है, या आप अपने आप को कोसने लगते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहला करेक्टर मैं बोलूँगा केली। बहुत सारे बंदे इसका यूज़ करना बंद कर दिए, अगर आप यूज़ करोगे, क्योंकि 99% इसका यूज़ नहीं कर रहा है, 1% वो आप हो जाएगा। इसका यूज़ करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। केली से आप थोड़ा स्पीड भागते हो, भूल गए क्या पुराने दिन जो पहले केली लेके खेला करते थे, इसलिए मैंने टॉप पर रखा है केली। फिर आ जाता है हमारा मैगजीन करेक्टर। अब आप बोलोगे ये क्यों, मेडिकेट तो कैसे भी स्पीड मार सकते हैं, कैसे भी कहीं भी मार सकते, बहुत टाइम भी मिलता है। लेकिन नहीं, मेडिकेट आपको जल्दी मारना पड़ता है। मान लीजिए आपको कोई बंदा अरेस्ट कर दिया तो आप क्या करोगे उस समय, इसलिए मैगजीन जरूर लेके खेलें। फिर आ जाता है आपका जोटा करेक्टर। अगर आप क्लैश स्क्वाड में SMG गन ज़्यादा चलाते हैं, जैसे MP40 या MP5, ये सब गन अगर आप ज़्यादा चलाते हैं तो जोटा करेक्टर जरूर ले खेलें, क्योंकि ये 45 HP आपको एक्स्ट्रा देता है एक किल पे SMG गन से। अगर आप SMG गन नहीं चलाते, ऑल गन चलाते, जैसे शॉट गन ज़्यादा चलाते हैं, तो आप इसमें जोसेफ ले सकते हो, वो भी अच्छा है। आपके हिसाब से देख लेना, आप एक एक्स्ट्रा स्किल रख सकते हो उसमें जो आपको सही लगे, मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जोटा ही लेके खेलें, क्योंकि वो 45 HP देता है एक किल पर। अब आप बोलोगे कि सब के बारे में तो बता दिया इसने, मगर एक्टिव स्किल के बारे में तो बताया नहीं। भाई बता रहा हूँ, रुक जाओ, ज़रा सब्र करो, रुको ज़रा। तो क्या होना चाहिए टॉप पर एक्टिव स्किल के रूप में, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ यहाँ पर, फिर भी कमेंट कर दीजिए। तो सबसे टॉप पर रहेगा आपका एक्टिव स्किल पर आलोक, नहीं क्लैश स्क्वाड में रहेगा वुकोंग, क्योंकि वुकोंग को फेल किया अभी तक किसी ने नहीं। ओरियन कैरेक्टर भी आ गया, लेकिन ओरियन पे आप ना गन स्विच कर सकते हो, ना ग्लोबल लगा सकते हो, ना कुछ भी आप उसमें पॉसिबल नहीं है, सब ब्लॉक हो जाता है। लेकिन वुकोंग कैरेक्टर में आप सब यूज़ कर सकते हो। तो ये थे कुछ खास कैरेक्टर क्लैश स्क्वाड के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो क्लिप पाए और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना।